सो आप ये जो इतना इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट होता है अपनी जिंदगी का, मॉम डैड जो आपके लिए कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, वो आप लोगों को बुलाने लगते हो, लेकिन जब उनकी रियलिटी पता चलती तो आपको लगता है कि शिट यार आपने इतना बड़ा दर्जा दिया किसी को, लेकिन उसके बाद आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है उनके साइड से। ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं जिसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स वेरी वेरी आई वुड से वेरी डार्क एंड शेडी। अब सी आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ प्रो डांसर, एंड झलक दिखला जैसे जर्नी वहाँ जहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ देखने मिलती है एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर ऑन स्टेज, तो मेरे लिए तो ये पहला रियलिटी शो, इससे पहले मैंने कोई रियलिटी शो किए नहीं है। Paras Kallavar, thank you so much for joining me on E Times. That too, at such a short notice, I just called you a couple of hours back and you promptly said yes. Yeah. Thank you. It's a pleasure being with you. Yeah. Paras, thanking you once again. I mean, goes without saying, you know that you are in the news. You're making headlines since nearly 4 to 5 days now. And we would really like to know, of course, Jhalak is a massive thing and we are going to talk about it. And the road ahead also that you wish to take in the glamour industry, as it is you made a mark in Anupama. There is no doubt about that. But why was this not taken in the right spirit, that this boy is also, you know, integral to the show, and you said that you were being sidelined? What exactly was happening? I mean, when did it all start? I think it's all part and parcel of life, that you have to face lows and also then ups. So maybe that was just a low phase for me, and you know, this all started a year back. And, you know, after I lost my dad, that was back in March 2021. So I started realizing that, you know, after being so emotional about every person on set, after, you know, getting emotionally connected to people on set, then slowly I started realizing that half of them are only using me, first of all. If I talk about actors here, then they were only using me for their personal purposes, their personal beliefs and faith. But they were not emotionally connected to me like I was to them. And talking about the makers, definitely they were very close to me and they are still very close to me. I would say they are very, very, very important part of my life, because, you know, when I lost my dad, they were still standing there for me and the entire unit was standing there for me. But, you know, then there was a time when people have, you know, come to me and unhone mujhe ye cheez count karwai ki, you know, jab तूने तेरे डैड को, यू नो, व्हेन योर डैड पास्ड अवे, तो हम तेरे लिए वहां पर खड़े थे, हम वहां पर आए थे, तेरे साथ और कोई नहीं था लेकिन हम खड़े थे तेरे साथ। सो ये सारी चीजें बोलकर आप वो सारा जो आपने किया है वो खराब कर देते, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऐसे भी लोग ऐसे करते हैं, ये मुझे इसी शो में मुझे पता चला कि लोग इस चीज को भी गिनाते हैं। एंड यू नो, एक ऐसा फेज आया मेरी जिंदगी में जहां पर मुझे रियलाइज होने लगा कि आप अपने माँ बाप के अलावा किसी को अपना कह नहीं सकते। जैसे कि मैं कनेक्ट हो जाता था लोगों को, और मैं सेट पर लोगों को अपनी मम्मी, अपने पापा और अपना भाई, अपना बहन बना लेता था, लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये जो आप टर्म यूज करते हो ना, मम्मी पापा, आप किसी और को बुलाने लगते हो, बिकॉज दोज पीपल आर प्लेइंग योर मॉम एंड डैड इन द शो। सो आप ये जो इतना इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट होता है अपनी जिंदगी का, मॉम डैड जो आपके लिए कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, वो आप लोगों को बुलाने लगते हो, लेकिन जब उनकी रियलिटी पता चलती तो आपको लगता है कि शिट यार आपने इतना बड़ा दर्जा दिया किसी को, लेकिन उसके बाद आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है उनके साइड से। सो डेफिनेटली इट्स लाइक कोई आपका दिल तोड़ रहा है, वही फीलिंग आती है, और मेरे लिए ये बिल्कुल वैसा ही था। एंड ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं जिसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स वेरी वेरी आई वुड से वेरी डार्क एंड शेडी, क्योंकि वो सारी चीजें जितना दफन रहे उतनी ही ज्यादा अच्छी है। क्योंकि एक टाइम पर तो मुझे प्रोडक्शन में बुलाकर बोला गया था कि यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट इट टू एनी वन, तू जानता है, मैं जानता हूँ तेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन तू इस बारे में किसी से बात नहीं करे। एंड मुझे तो कसमें वादे दी गई थी इस बारे में टीम से ही, मतलब आई वुड से द मेकर गेव मी कसमें वादे कि तू बता हमको कि तेरे पास इस चीज का कुछ प्रूफ नहीं है ना, बिकॉज़ आई हैड दोस प्रूफ्स, जिसके वजह से यू नो मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा गया था और मेरे पास वो प्रूफ्स थे। सो मुझसे लिटरली वो सारे प्रूफ्स डिलीट करवाए गए,
कि इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, अगर तू चाहता है कि यू नो तू हमारे गुड बुक्स में रहे जो कि तू है, और इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो क्यों किसी के खिलाफ अगर कोई गलत कर रहा है तो वो प्रूफ भी क्यों रखना, तू अच्छा इंसान है ना, तो तू वो सारी चीजें भूल जा जो तेरे साथ हुआ वो भूल जा। और मैं बीइंग दैट इमोशनल पर्सन वो सारी चीजें भूल भी गया एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम जहां पर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस होल पॉलिटिक्स, एंड इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ मैं खुद पर। सो मैंने अपने आप को इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया कि जब शॉट खत्म होता था मैं अपने रूम में जाके बैठ जाता था, वहां पर बैठकर टीवी देखता था, वहां पर मैं अपनी जो मैं शायरियां लिखता हूँ वो लिखने लगा था। और मैंने उसमें से शायरी में एक चीज लिखी भी थी कि यू नो अगर आप दुनिया भर की चीजें करते हो, मैंने उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट में लिखा था कि आप दुनिया भर की अच्छाई अगर अपने अंदर पाल कर रखते हो, सो आप मतलब जानवरों से इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हो, आप लोगों को आप बोलते हो कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं यू नो एक नेगेटिव शैडो ही देगा, मतलब वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी वो सारी चीजें, वो जो एनर्जी होती है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी कभी दे ही नहीं पाएगा अगर आप अच्छे इंसान नहीं। क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ पर देखी, ये चीज और कहीं नहीं हुई मेरे साथ, कोई शो में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जहां पर मैं लोगों से यू नो कुछ ऐसी चीजें भी सीख सकूं, बिकॉज इससे पहले मैंने जितने शोज किए सारे को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे। पारस ऐसे क्या हुआ था, यू आर डेफिनेटली आई मीन लेटिंग द कैट अमंगस्ट द पिजन्स एज दे से, क्या हुआ था इतना आपको इमोशनली आप शैटर हो गए थे, कुछ तो इसके बारे में थ्रो सम लाइट। यू नो आई डोंट थिंक सो कि मैं इस बारे में अभी मतलब बात कर पाऊंगा ओपनली, क्योंकि मैंने फिर एक टाइम पर डिसाइड कर लिया था दैट यू नो व्हाटएवर हैपेंस मैं अपने साइड को इतना पॉजिटिव रखूंगा कि जो इंसान मुझे कहीं ना कहीं मेरे बारे में बुरा सोचता भी है और मेरे लिए बुरा चाहता भी है वो भी बेटर सोचने लगे। गॉट इट, बट मे बी इन अ जेनेरिक वे कैन यू से व्हाट हैड हैपेंड। जेनेरिक वे में भी यू नो इफ आई try to explain, I would just say ki it was something very very against me jahan par kahin na kahin mere scenes kam karwaye gaye the aur kahin na kahin mujhe ek bure light mein dala gaya tha, aur jabki mere bare mein kuch aise jhooti afwah phailana shuru kar diya set par ki you know isne hame dhamki di, isne xyz cheeze kahi mere bare mein ya xyz jo ki maine kabhi ki hi nahi thi। और डेफिनेटली यू नो व्हाट हैपेंस जब आप एक नए एक्टर होते हो, अगर आपके बारे में कोई जो टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, जो मेकर्स है, आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर वो चीज कोई सीनियर कह रहा है मेरे बारे में तो डेफिनेटली मेकर्स आर गोना बिलीव दैट। सो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ कि यू नो दे यूज्ड टू थिंक इट इन दैट वे कि शायद यही बंदा गलत है, बट इन दी एंड ऑब्वियसली सारी चीजें पॉजिटिव हो गई एंड सारी चीजें बहुत ज्यादा सटल होने लगी। और मैंने अपने आप को जब वो यू नो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को थोड़ा धकेलना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि किसी के बारे में बुरा सोचने से भी कुछ नहीं होता है। एंड मैंने अपने अंदर ही चेंजेस लाना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को ही एक कॉर्नर में रख लिया और उसके बाद कोई कुछ कहे कोई कुछ बोले मुझे फर्क पड़ना ही पड़ा। सो देयर इज वन लाइन व्हिच रियली कॉट माय अटेंशन, यू सेड यू नो हम शो में जो मॉम और डैड होते हैं उनको मॉम और डैड बुलाने लगते हैं और फिर वो ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है, यू इन्वेस्टेड अपेरेंटली अ लॉट इमोशनली इनटू द शो एंड इनटू द कैरेक्टर्स एज वेल। नाउ मेक्स मी आस्क दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक एक्चुअली आउटसाइड व्हिच मे नॉट हैव कम वेरी क्लियरली इन द प्रेस, इज दैट यू एंड रूपाली नेवर गॉट अलोंग। It's not something very very specific that we didn't get along. I would not say that she's very very close to me, but you know we all have differences. Like agar hum log kisi ki bhi baat kare to kisi se aap bahut acha jealous ho jate ho, to kuch hota hai, kuch log hota hai jinke sath aap acche se jealous nahi ho pate. So Rupali ma'am, I still respect her and I think she also has a little bit of love for me, I would say, and we respect each other as actors little bit, I would say. क्योंकि आई वुड नॉट से कि उनका अटैचमेंट मेरी तरफ उतना ही है जितना बाकी एक्टर्स की तरफ है। सो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के बीच में नफरत है या फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं,
इट्स जस्ट दैट कि जितना मैं बाकी लोगों से जेल अलोंग हो गया, जितना उनसे ज्यादा अटैचमेंट हो गया, रूपाली मैम से उतना ज्यादा अटैच नहीं हो पाया दिस ईयर. व्हाट टुक मी बाय सरप्राइज एंड आई थिंक इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज इज दैट शी डिडंट कांटेक्ट यू ऑन योर एग्जिट. शी हैज शी कांटेक्टेड यू नाउ? नो शी डिडंट. Not only her, there are many actors जिन्होंने मुझे बिल्कुल contact भी नहीं किया, एक message भी नहीं आया जिसका. So it's just not Rupali ma'am. There are other actors too जिनका मुझे ना message आया, ना मुझे किसी का call आया, ना किसी ने मुझे Instagram पे कुछ message किया, या फिर उन्होंने मुझे Instagram पे कोई picture पे comment किया, कुछ भी नहीं. Silence, complete silence from their end. And you learned about your exit from the press? Yeah. Honestly, मुझे पता चला ये सारी चीजें, जैसे कि मुझे अभी टर्मिनेशन लेटर मेरे मेल पर आया, मुझे प्रोडक्शन से एक मैसेज आया दैट वी हैव सेंट यू टर्मिनेशन लेटर. एंड टर्मिनेशन लेटर आते ही मेरे हाथ में, वहां पर मुझे, मैंने जब इंस्टाग्राम खोला और मुझे जब दो तीन मिस्ड कॉल्स दिखे अपने फोन पे, तो मुझे पता चला कि टर्मिनेशन लेटर भेजते ही दे हैव आल्सो रिलीज दिस ऑन प्रेस एट नाइट, मतलब रात को की गई थी ये चीज. और मुझे एकदम से एज अ शॉक ही आया, क्योंकि जब तक टर्मिनेशन लेटर आया मुझे लगा कि चलो शायद टर्मिनेट कर दिया है मुझे और मैं शायद इस शो का पार्ट ना बन पाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ और चूज किया, तो हो सकता है कि शायद दोनों शोज में साथ में काम ना कर पाऊँ मैं. बट फिर जब ये सारी चीजें मीडिया में आई तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनली. कोई एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट था आपका? डिड यू हैव एन एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट विद द टीम टू ओनली दिस शो? यस डेफिनेटली. टू ओनली दिस शो वॉज द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये चीज तो थी कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर ये लिखा हुआ था दैट आई कांट बी पार्ट ऑफ एनी अदर शो. एंड ऑनेस्टली आई डिडंट नो दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 3 years, विच आई गॉट टू नो लास्ट ईयर. दिस वी हैव बीन बाउंडेड बाय 3 years, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था अनुपमा में, सारे एक्टर्स नहीं, कुछ कुछ एक्टर्स का 1 साल का भी बना, कुछ एक्टर्स का 2 साल का भी बना, बट जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखा ही नहीं, जैसे कि मेरे जैसे लोग, बिकॉज आई थिंक मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उस चीज़ को लेकर कि मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी, जैसे कि मेरा कैरेक्टर का नाम और फिर कितने दिन मेरे जाने वाले हैं शो में, ऑल दैट थिंग, एंड देन आई हैव साइंड द पेपर्स इन फ्रंट ऑफ देम ओनली विदाउट इवन टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो पहले 1 साल था, फिर 3 साल कर दिया? नहीं नहीं, इट वॉज 3 years ओनली. अच्छा, मैंने रिन्यू किया शुरू से. इट वॉज Yes, जबकि मैंने अभी 2 साल कंप्लीट किए recently जुलाई में. But you know, if you were terminated, as you say, the first thing I would have done in your place is call up Rajan Chai. Did you? Right. No, I did not. I did not call him up because I left a message for him just a day back. और मुझे उस चीज का रिप्लाई नहीं आया था उनकी तरफ से. मैंने जब मुझे टर्मिनेशन लेटर आया उसके 2 दिन पहले ही मैंने उनको मैसेज किया था कि सर यू आर लाइक माय डैड, आई कॉल्ड यू दैट यू नो जस्ट बिकॉज यू स्टूड फॉर मी एंड यू वर ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आई कंसिडर्ड यू एज माय डैड, देयर यू यूज्ड टू टेल मी दैट माय डैड इज ऑलवेज वॉचिंग मी एज अ गार्डियन एंजल, सो आई वुड डेफिनेटली नॉट हर्ट यू इंटेंशनली बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट डूइंग अ 4 days रियलिटी शो वुड अफेक्ट द शो आई एम ऑलरेडी डूइंग राइट नाउ. So definitely there will be a way we can work it out. And whatever you'll do, you are everything for me. And you'll definitely, if you want, you can convince the channel as well. This is what I wrote to him. But he did not reply for this. Set pe bawal hua jab aapko termination letter haath mein diya gaya? सेट का तो मुझे उतना अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं मिला अब तक, क्योंकि जितने लोगों को पता चला, जो लोग मुझसे अटैच थे, जो लोग मुझसे कनेक्टेड थे, उन लोग का तो मुझे कॉल जरूर आया. और यू नो ये सारी चीजें जब मैं देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सामने, मतलब मुझे दिखाते थे दैट दे आर वेरी कनेक्टेड टू मी, बट उन लोग के टीम में से भी, मैं कह रहा हूँ नॉट जस्ट एक्टर्स, इवन टीम मेंबर्स जो मुझे कहते थे कि यू नो दे आर वेरी अटैच्ड टू मी और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, प्यार करते, उनका भी मुझे कॉल या मैसेज नहीं आया. सो सेट पर बवाल तो डेफिनेटली हुआ था बिकॉज दिस वॉज नॉट समथिंग एनी वन वॉज एक्सपेक्टिंग. ये किसी के माइंड में भी नहीं आया था, किसी के थॉट में भी नहीं आया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा टर्मिनेशन लेटर मेरे हाथ में आने वाला है और मैं ये किसी ने आके ऐसे बोला कि आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं होता? डेफिनेटली बोला. मुझे कुछ एक्टर्स ने भी मुझे कहा कि ये चीज, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना वो भी ट्रबल में आ जाएंगे ऑनेस्टली. सो मुझे क्लियरली ऐसा बोला गया कि तूने जो किया बिल्कुल गलत नहीं किया एंड ये बहुत गलत फैसला लिया.
Either I want to ask you one more question before I go to Jhalak Dikhlaja, and that is, has the show become all about Rupali? See, this show is Anupama, first of all. This show will always be surrounded by her. But right now, if you see, then definitely jo track abhi chal raha hai, it is all about her. And I think isme bhi kisi ki galti nahi hai, because jo bhi makers kar rahe hain, wo kuch na kuch soch ke hi kar rahe hain. And I think they are also doing a wonderful job, because the show is still number one. Whatever the thing is, story jaisi bhi ja rahi hai, jo bhi is show ka major part ban chuka hai. So right now, if I say, to it's only surrounded by Rupali ma'am. Okay, allow me one more question. You're not taking names, but tell me honestly, is everybody else out there happy? I would still say no. ये चीज ऐसी है कि लोग मुझे आके बोलते हैं कि यार you are at a place we want to be at, but हमें हिम्मत नहीं है कि हम वो एक ऐसा step ले सके कि हम जाके maker को कहे कि आप हमें क्यों नहीं दिखा रहे उसके ऊपर. So there are not even 1, 2, 3, 4. There are 4, 5 people not happy about it. What's going with them? जो जिन्होंने मुझसे आगे बात की, लेकिन अब तक मेकर से बात की है नहीं की मुझे नहीं पता. So झलक दिखला जाओ, आप डांस में कितने माहिर हैं? बताइए कितने माहिर हैं, कितना है, इतना spontaneously डांस करेंगे? अब see, I would not call myself a pro dancer. And झलक दिखला जाओ जैसा journey वहाँ जहाँ पर आपको अपनी growth देखने मिलती है as a dancer, as a performer. On stage, तो मेरे लिए तो ये पहला reality show, इससे पहले मैंने कोई reality show किए नहीं है, और dance show भी मेरे लिए पहला ही है, because dance भी मैंने on stage कभी perform नहीं किया. In the previous show, I was playing a dancer. So to dance in front, मतलब to dance in a TV show is completely different than what you perform on stage in a reality show, because it's something, it's one take. There's no going back, there's no retakes, there's nothing. You just have to be boom. Like आपको on point रहना पड़ेगा in front of the judges when you perform. So this is a very new journey for me, and I'm very very excited. ये इसका rehearsals भी मैंने अपने start कर लिए हैं, मैंने you know rehearsal करना चालू कर लिया है, और अभी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं rehearsal करना शुरू कर दिया हूँ, तो अभी तो body में pain भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि body बिल्कुल stiff हो चुकी थी workout करके और इतना movement ना करके. So जब पूरी body हिल रही है तो धीरे धीरे वो pain भी बाहर आ रहा है, which it's a happy pain, I would say. It's like a good pain. क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले से करना चाह रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस शेड्यूल ऑफ माय टेलीविजन. बट अभी जब मुझे मौका मिला है, तो मैं अपना 100% दे रहा हूं दिस शो. प्रीवियस एपिसोड्स, पहले के एपिसोड्स देखे हैं? हाँ, मैंने देखे हैं कुछ एपिसोड्स. मेरे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स भी है उसमें, जिनको मैं यू नो आई एम कीपिंग देम एज माय आइडल. यहां के नाम ले सकते हो, बता दो कौन. सुशांत सिंह राजपूत. And Sushant Singh Rajput is a wonderful performer. He was a great human being and he was a wonderful actor. And लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा connected हैं. One of them, it's me, because since childhood I used to watch his first show Pavitra Rishta. And you know, when I got into TV, I kept him as my idol. कि you know he has you know उनकी जो growth है वो इतनी ज़्यादा strong थी, from television to झलक दिखला जाए to being a runner up and then getting into movies and performing so well. So, ये एक जर्नी मैं भी अपने आप के लिए देखता हूँ, हर कोई देखता है अपने आप के लिए जो भी टेलीविजन का हिस्सा है. So, सुशांत सिंह राजपूत is my idol for this season. Anybody else apart from Sushant? Faisal Khan, who's a winner from one of the, yes, who's winner from winner one of or the maybe seasons. Even a runner up. I mean, whose dancing has really impressed Sushant. You? Faisal is one of them, because Faisal is my neighbor. He lives in the same building and I know Faisal. So he is a fabulous performer. वो पहले भी ऐसे कोई reality shows जीत चुका है. So उसकी journey बहुत खूबसूरत रही है and he's a wonderful dancer. So I would just like to go to him and I would just like to take the advice कि Faisal कैसे अपने आप को और better करना है. He's bound to help you out. Yeah, definitely. He has to. So have you been paid for Anupama as we wind up? Let me ask you. I think payment won't be an issue, because these makers, as I said, they are very good with everything, the nature and everything. Unka sab kuch bahut zyada clear hai. And I think I've worked with one of the best makers. So kuch issue hoga nahi, because payment is not immediate. It's like 3 months.
will you continue watching the serial? Honestly, with the time schedule we had, मैं पहले भी नहीं देख पा रहा था पिछले कुछ time से, but मेरी mom देखती थी and she will still continue watching the show. And definitely, I just tell people that मेरे fans भी जो मुझे message कर रहे हैं कि we'll stop watching the show, I'll still suggest them and I'll still request them कि please watch the show because अगर इतना खूबसूरत show इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है, सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं है. Do you know Sagar Parekh who has replaced you at a personal level? I don't know him personally. I think I've met him once. And you know, एक मैं उसमें गया था शो के लॉन्च में गया था ना, I've met him there once. But I don't know him personally. But definitely, if he's playing my part in the show and he's an actor, I would just wish him all the best and may he kill it. And let's imagine you come out from Jhala a week or two later, they call you back in Anupama. Will you go? See, this is a very, very difficult question you've asked. I think this would not even happen, honestly. Aisa hoga to nahi. But agar aisa hota hai, to definitely, why not? Okay. And after Jhalak, where do you see yourself? I mean, are you going to try for web shows? Are you going to try for movies? What's the plan? I'm going to keep my options very open. And Jhalak Dikhlata is something where I want to grow and I want to see where I can, where exactly I can reach. So, iske baad mere paas agar koi dusre reality show ke offer aate, to definitely I'll go for that. If I get a web series, if I get a very good TV show, then I can go for TV shows as well. So, I've kept my option very, very open. Nothing in my mind. What about movies? Do you aspire to do a Bollywood film? That's my aim. That's my that's where I look myself in the next 5 years. So agar uski shuruaat abhi yahi saal se ho gayi, to nothing better than that. But I would not keep anything in my mind. So whenever I get an opportunity, it will come like a surprise to me. I wish you the best of luck, Paras, in not Thank just you. Luck, but all your future assignments. And I must say that you did a wonderful job in Anupama. I say this again. And Thank you. Please stay in touch.